प्रणाम सब गोटे के सब गोटे सब जेठ चैन के गोर लगे छी सब नैना सब के आलिंगन बद्ध बहुत बहुत प्रेम और स्नेह। आए हनुमान चालीसा के विचार श्रृंखला में दोसर दोहा के अवलोकन करब हम सब गोटे मिल के। तो दोसर दोहा की छे? पहल दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसौ जो दायक फलचार। हम सब पिछला वीडियो में देखने चलिए, आपस में गप केने चलिए, चर्चा केने चलिए कि पहल दोहा हमरा सबके संकेत दऽ रहल अछि कि हम सब अपन मून के जे आईना अछि तकरा साफ कऽ ली, निज मन मुकुर सुधार। तो जहन ओ आईना साफ भऽ जायत तो ताहिमे हमरा रघुबर के विमल जस जे छनि जे साक्षात हनुमान जी छिया से दर्शन भऽ जेतथि। दोसर दोहा कहै छथि, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। तो एहिठाम अपना आपके कहलिए बुद्धहीन तनु जानिके। बुद्धहीन तनु जानिके के मतलब भेलै हम बुद्धिहीन छी। क्या बुद्धिहीन छी? किएक कि हम अपना आपके तनु बुझि लेलहुँ, अपना आपके हम शरीर बुझि लेलहुँ। तन एकर एकटा माने ई भेलै कि अपना आपके शरीर बुझ के बुझलहुँ हँ, तैं हम बुद्धिहीन छी। दोसर गप इहो छै कि हम बुद्धिहीन छी क्याकि अपना आपके तनु बुझि लेलहुँ हँ। छोट है? छोट मतलब हम ओहो हिसाबसँ बुझबै तऽ इएह बुझि सकै छी कि हम अपना आपके एहि शरीर बुझि लेलहुँ हँ, हम अपना आपके छोट बुझि लेलहुँ हँ, शरीर बुझि लेलहुँ हँ, एकटा मनुख बुझ के एकटा बेबस मनुख बुझि लेलहुँ हँ अपना आपके। और एना बुझ के हमर जे बुद्धिहीनता भऽ गेल तऽ आब हम एहिमे की करी? तऽ हमरा किछु नहि फुरायल तऽ हम सरकार अहाँके याद करै छी, सुमिरौं पवन कुमार। जखने पवन कुमार के सुमिरन करबनि, पवन कुमार अर्थात प्राण, जखने प्राण के सुमिरन करबनि, ओ प्राण के छिया, ओ साक्षात हनुमान जी छिया, तो हम तनु नहीं रह जाए, हमारे बुद्धिहीनता समाप्त भ जात। जखने हनुमान जी के सुमिरन करबनि आ ओ हनुमान जी प्राण रूप से हमरा में प्रवाहित भ रहल छथि, तो हम बुद्धिहीन नहीं रहब। कोना बुद्धिहीन नहीं रहब? कोना कि बल बुद्धि विद्या देह मोहि, एहि सुमिरन से एहि याद से हमरा बल बुद्धि विद्या भेट जात, ओहि प्राण शक्ति से ओहि प्राण ऊर्जा से बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु हमर जे कलेश और विकार अछि से हरि लेल जात। प्रार्थना रूप में कहबनि तऽ ई कहि सकै छी, हे हनुमान जी हम बुद्धिहीन छी, हम अहाँके याद कऽ रहल छी, तऽ हमर कलेश विकार हरि लिअ आ हमरा बल बुद्धि विद्या दऽ दिअ। ई तऽ सरल अर्थ भऽ गेल, साधारण अर्थ भऽ गेल नहि। एना कहि कहि के तऽ हमसब हमरा सबके बल बुद्धि विद्या भेटल नहि आओर न कलेश विकार दूर भेल। तैं ई शायद एकर ई अर्थ नहि छियै। तऽ कोन अर्थ छियै? एकटा गप उठै छै कि अर्थके मतलब की होइ छै? बुझू, कहबै जल, तऽ जलके की अर्थ छै? जलके मतलब पानि, जलके मतलब वाटर, जलके मतलब की? ओ तऽ ओकर अनुवाद भेलै। मैथिलीमे जल कहै छियै, हिंदीमे पानी कहै छियै, अंग्रेजीमे वाटर कहि देबै, ई तऽ अनुवाद भेलै, ओकर अर्थ की छै? तऽ जलक अर्थ छै जे ओ पदार्थ छियै। हमरा सबके हिंदीमे एकटा शब्द अबै छै पदार्थ,
कोनो चीज के हमसब पदार्थ कहै छियै, मतलब ओ जे चीज छियै, ओ जे वस्तु छियै, ओ ओहि ओहि शब्द के अर्थ ओ वस्तु छियै। तऽ जल के शब्द के अर्थ ओ ओ ओ ओ ओ वस्तु छियै जकरा हम पीब लै छी, जकरा पीला से हमर प्यास बुझा जाइए, जकरा खेनाइ मे दऽ दै छियै तऽ खेनाइ पाकि जाइए, जकरा से हम नहाय छी, ओ जे वस्तु छै से छियै जल। आ जल के कहबै खाली वाटर, जल के कह देबै पानि, तऽ ओ ओकर भऽ गेलै अनुवाद। तऽ हमरा सबके हनुमान चालीसा के खाली अनुवाद नहीं बुझबाक अछि, अनुवाद बुझ के तो किछु नहीं भेटत, ओ तो बुझले अछि, हमरा ओकर अर्थ बुझबाक अछि, केना क्या के अर्थ बुझबाक अछि कि हम सब स्वयं हनुमान चालीसा के पदार्थ बन जाए, हम बनी ओ अर्थ, हमर जीवन हनुमान मय हनुमत मय भऽ जाए। आइ बिहाड़ि चलि रहल है कनिक, ताहि लए के क्षमा चाहब, केस उड़िया रहल है। तऽ जहन हमसब कहै छियै प्राण, तऽ जखने प्राण पर अपन चेतना के आनै छी तऽ हमरा सबके तीन टा चीज के प्राप्ति होइए, बल ओहो प्राण से अबैए, बुद्धि विद्या हरहु कलेश विकार। कलेश ककरा कहै छियै? कलेश कहै छियै कोनो तरह के दुख के कलेश कहल जाइ छै। पतंजलि महर्षि पतंजलि योग सूत्र में पांच टा कलेश कहलकै हैं, अस्मिता अहंकार राग द्वेष अभिनिवेश। हम छी, हम तनु छी, हम छोट छी, हम छी मनुख, हमर नून हमर नाम फला छी, हम फला काज करै छी, अपना आप के छोट करनाय हम छी, अस्मिता अहंकार फिर हम छी, हमरा ई नीक लगैए राग, हमरा ई नहि नीक लगैए द्वेष, हमरा डर होइए। ई पांचटा क्लेश के मूल मानल गेल है, जतिक दुख अछि सबटा अहि पांच में से निकलल अछि। और विकार छोटा विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जे छोटा विकार छै से, तो छोटा विकार पांचटा क्लेश मिला के 11 हनुमान जी के एकादश मुख के विग्रह सेहो छन्हि। 11 मुखी हनुमान जी 11टा पांचोटा क्लेश छोटा विकार के बिला देता, हटा देता। कोना हटेता? हम सब तो पृथ्वी पर रहै छी, तो हमरा सब के तो एतो पृथ्वी के जे नियम छै से लके चलऽ पड़त। तो पृथ्वी के नियम की छै? जे रोपब तकरे काटब, जे बिया रोपब तकरा काटब। हमरा अपन कलेश और विकार के हटेबाक अछि, ठीक छै, चलू अनकर कलेश और विकार के हटाबी। क्यों हमरा अगल बगल में छथि कि हम हुनकर कलेश, कि हम हुनकर दुख के हर सकै छियनि कनिक बे? तो हमर बड़का दुख हरा जाए। तैं हमरा सब में, हमरा सबक धर्मशास्त्र में सेवा के बड्ड पैघ महत्व देल गेल छै। चाहे अपना अगल बगल में पशु पक्षी सब अछि, गौए माता छथि, कुकुरे छथि, केओ छथि, मनुख छथि, अपन दियाद छथि, समाज छथि। आइ काल्हि कोरोना कोविड के समय चल रहल है, बहुत बहुत सेवा के एखन अवसर अछि। कोनो प्रकार से जे हम ककरो कलेश हटा सकी तो हमर कलेश हट जात। जह रोपब सह काटे तकरे कटनी करब पड़त, जह बिया रोपब तकरे कटनी करब पड़त। ई कर्म के नियम छी। तहिना विकार, जे अपन विकार पर काज करने शुरू करब, जे अपन ऐना के साफ करने शुरू करब, तो कथी से साफ है? तो ऐना वो साफ है प्राण से, ओहिना शुरू करतो तो नहीं होता, तैं बुद्धिहीन भ गेल।
ओहिना कोनो काज के करय लागब, ओहिना कोनो उद्यम करय लागब आ करय लागब तो ओकरा बुद्धिहीनता कहल जात। सोचू कपड़ा खींचे ले जाब आ साबुन अच्छे नहि, पानि नहि अछि तऽ माटिसँ कपड़ा तऽ नहि खींचत, माटि तासँ तऽ हाथ नहि मटियत, जल सेहो चाही। तहिना अपन विकारके धोएके लेल, साफ करैके लेल साबुन चाही, आओर साबुन छी हमरा सभक प्राण। जे ओहि दिन हम कहने छलहुँ जे प्राणक जे आवागमन छै ताहिपर यदि चेतना धरि लै आ ओ जे श्वास प्रश्वासके आवागमनपर चेतनाके धके मोनके परिकल्पना करब तऽ ओहिठामसँ क्लेश आओर विकार समूल नष्ट भऽ जायत आओर बल बुद्धि विद्या। बल बुद्धि विद्या, बल तऽ बल बुझिते छियै, शारीरिक बल, मनोबल, किनको बल दिए, केओ कोनो काज करल छै ताहिमे हम अपन बल लगा दिए तऽ हमरा आओर बल भेटत, केओ कोनो काज करल छथि ताहिमे हुनका मार्गदर्शन करैमे यदि अपन बुद्धि लागि जाए, बुद्धिके रूप लेब, विद्याके रूप लेब, अपन विद्याके उपयोग कऽ लेब किनको सेवामे। एकटा आओर गहीँ डर छै एहिठाम एहि दोहामे, ई विशेष गप छै तैँ हम आन चीजके नहि कहिके आन चीज तऽ अपनो विचार कऽ लेब तऽ पता चलि जायत। बल बुद्धि विद्या, विद्या ज्ञान शक्ति, बुद्धि इच्छा शक्ति, बल क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ऐंग ह्रीं क्लीं, उमर से क्लेश विकार चंड मुंड चामुंडाय उत सुमिरौं विच्चै। पवन कुमार, पवन कुमार मतलब महादेव, हनुमान मतलब महादेव, शिव, शिव अर्थात ओंकार। तऽ सुमिरौं पवन कुमार, ओ भऽ गेल ओंकार, पवन कुमार ओम, सुमिरौं भऽ गेल विच्चै, बल बुद्धि विद्या एंग रिंकलिंग, क्लेश विकार चामुंडाये, सुमिरौं विच्चै, एंग रिंकलिंग चामुंडाये विच्चै। एहि मंत्रके एहि दोहामे जेना जड़ देल गेल छै एहिमे ओकरा घुसिया देल गेल छै, ओ मंत्र एहि दोहा भगवतीके मंत्र छियनि, निवारण मंत्र छियै, अपना सब दिशमे सब गोटा एहि मंत्रके बुझै छियै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। तऽ यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चैके जाप करब पूरा हनुमान चालीसा ओहिमे चलय, ओकरे जाप कऽ ली, ओकरे सुमिरन कऽ ली, नहि तऽ श्वास प्रश्वास पर प्राण के सुमिरन। और पूरा के पूरा दोहाने सांस ले काल सुमिरौं पवन कुमार हरहुं क्लेश विकार, सुमिरौं पवन कुमार हरहुं क्लेश विकार, या बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहुं क्लेश विकार। ध्यान सांस पर, जेना सांस लऽ रहल छी तऽ जेना प्राण के द्वारा बल बुद्धि विद्या के अपना अंदर खींच रहल छी, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, आ जेना छोड़ रहल छी हरहुं क्लेश विकार, हरहुं क्लेश विकार। हनुमान जी के एकटा नाम हरि सेहो छियनि, हरि नाम से भगवान विष्णु के सेहो चिन्है छियनि हमसब, आ हर हर महादेव कहै छियनि, ओहिठाम शिव के नाम सेहो हर शब्द से आबि गेलनि। और भगवती के बीज मंत्र छनि ह्रीं, ओहूठाम हरि शब्द आबि गेलै, हरि के बड पैघ महत्व छै। हरि के अर्थ भेलै हरण करै वाला, जे लऽ जाइ छथि हमरा से किछु, ओ की लऽ जेतथि, जे चीज हमरा लग अनावश्यक अछि, हमर क्लेश विकार के यदि लऽ जेतथि तऽ हमरा लग बल बुद्धि विद्या बचि जायत। बल बुद्धि विद्या अछि ताहि पर क्लेश विकार के कम्बल पसरि गेल, ओढ़ा गेल, ढका गेल, तैं भगवान के तऽ कह रहल छनि हरहुं क्लेश विकार।
मुरारी बापू कहे छथिन बट नीक कहलखिन कहलखिन जेना गामो घर में ओनाहियो एक टाइम छले जहन घर के माय बहिन सब जतेक पुरान कपड़ा होइ छले सबटा के जमा करै छलथि आ तकर बाद केओ नव बर्तन बेचे वाली बाला या बाली अबै छली छला तऽ हुनका पुरान कपड़ा दऽ दै छलखिन आ नवका बर्तन लऽ लै छलथि। बल बुद्धि विद्या देह मोहन नव बर्तन लऽ लेलहुँ अपन कलेश विकार जे पुरान कपड़ा अछि फाटल चीटल से हुनका पकड़ा देलियनि हनुमान जी के। तो हनुमान जी जना बर्तन बेचैवला छथि अयलथि हँ हुनका से ई बड़ सस्ता मंगनी के सौदा भऽ गेल अपन पुरान अपन कूड़ा अपन कबाड़ा हुनका पकड़ा दियौ आ हुनका से किछु नीक बल बुद्धि विद्या हुनका से लऽ लिअ। या चारिटा फल सेहो छै जे पहिल दोहा में कहल गेलै हँ जे जो दायक फल चार तब बल बुद्धि विद्या और कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या के बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या छै ककरा बल कहबे ककरा बुद्धि कहबे ककरा विद्या कहबे लेकिन सबसे पैघ गप एतबा बुझलबे कि जखने सचेत भ गेलौ कि प्राण हनुमान मय छथि प्राणे हनुमान छिया और ओ हमरा में सतत प्रवाह कऽ रहल छथि हम ओहि सुमिरन में छी तऽ हम हनुमान मय भ गेलौ हम तनु नै छी हम छोट नै छी हम एसगर नै छी। आ जखने ई भाव पूरित भ जायत तऽ हम एसगर नै छी तऽ हमसब आपसो में मिल के रहब सबके मिल मिल के रहब कलेश विकार हटा ले वापस में से सब केओ एक दोसर के बल बुद्धि विद्या ककरो लग बल अछि ककरो लग बुद्धि अछि ककरो लग विद्या अछि सब मिल के अपन जीवन यापन करब सब केओ मिल जाएब तऽ फिर तनु नहि रहब छोट नहि रहब बुद्धिहीन नहि कहलायब कियाकि छोट तऽ छी नहि छी तऽ सब परिवार में मिलल छी एक संगे छी बुद्धिहीनता के कारण अपना आपके एसगर बुझि लै छी। आ व्यक्तिगत स्तर पर तऽ छोट नहि छी स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा छी हम सब उनके अंश छियनि व्याची अहम महात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि एकरा बुझियो एकरा कहियो अपना आपके बार बार कहियो सोहम हम वह छी हम छोट नहि छी छोट तऽ शरीर अछि हम नहि छोट छी। तऽ बुद्धिहीनता तनु मानसता एकरा हटा देल जेतै और हनुमान जी के सतत सुमिरन श्वास में अपन प्राण पर एही गप के बार बार दोहरा रहल छी प्राण पर प्राण में हनुमान जी के सुमिरन हुनकर हुनकर प्रेजेंस हुनकर भेनय हुनकर अस्तित्व के सुमिरन हमरा रखबा के छी। सांस लै काल बल बुद्धि विद्या देह मोहि छोड़े काल हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार जेना ओ छुटि रहल ई जे संकल्प करबै तऽ संकल्प शक्ति सबसे परम शक्ति छै एहि संकल्पे से हमर बल बुद्धि विद्या के वृद्धि होयत और कलेश विकार से छुटकारा भेट जायत ओ भगवान हरि के लऽ जेतथि प्राण रूप में हरि के लऽ के चलि जेतथि। हम एहिठाम अजुका वाणी के विराम देब सब केओ एहि पर विचार करब हमरा चाही तऽ लिख सकै छी अपन विचार सबके व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ आपस में खूब चर्चा करू एक दू गोटा मिलके सत्संग करू बल बुद्धि विद्या के नोट करू कलेश विकार के नोट करू देखू केना क्या के ऐसा हमरा सबके छुटकारा भेट सकैए और शीघ्र फेर से अहाँ के सेवा करब सब गोटे के गोर लगे छी और सब नैना बउआ सबके आलिंगनबद्ध स्नेह।